ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिड टर्म की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको एमजीटी 111 के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मदर डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि मदर डिसिप्लिन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो है पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद ये द अटैम्प्ट टू इंटीग्रेट, अटैम्प्ट जो कि इंटीग्रेट करने के लिए दी एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, जो एक्टिविटीज है डिफरेंट डिपार्टमेंट की, सो डेट दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल में भी अचीव, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो अचीव हो सके फिर विद मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, रेफर्स टू ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से और इफेक्टिव तरीके से, इससे मुराद क्या है वो है कोऑर्डिनेशन। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, कौन से सिटी के अंदर इनमें से अकेडमी फॉर कॉमन ट्रेनिंग ऑफ CSP इज सिचुएटेड, सो इसके जवाब है लाहौर। उसके बाद ये कि चेस्टर वन बर्नार्ड प्रोपोज, चेस्टर वन बर्नार्ड ने जो है प्रपोज किया थ्री जोन ऑफ सबऑर्डिनेट, थ्री जोन जो है सबऑर्डिनेट्स की, इंक्लूडिंग द जोन ऑफ एक्सेप्टेंस, जिसमें शामिल है जोन ऑफ एक्सेप्टेंस, जोन ऑफ रिजेक्शन और इसके अलावा जोन ऑफ, उसका जवाब है इंडिफरेंस। उसके बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है इज द लास्ट स्टेज इन द प्लानिंग प्रोसेस, जो कि लास्ट स्टेज है प्लानिंग प्रोसेस में, वो है रिवाइजिंग प्लान। उसके बाद ये कि देयर आर टोटल 60 सीट्स इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान रिजर्व फॉर, जो 60 सीट्स हैं नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में रिजर्व हैं किनके लिए, इनमें से वोमेन के लिए। और उसके बाद ये कि द शॉवलिंग एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय, किया था शॉवलिंग एक्सपेरिमेंट को किसने, फ्रेडरिक टेलर ने, FW टेलर यानी के। उसके बाद ये कि एस्पिरिट डी कॉर्प्स रेफर्स टू, एस्पिरिट डी कॉर्प्स से मुराद क्या है, टीम वर्क। उसके बाद ये कि व्हाट डज द टर्म CSP स्टैंड फॉर, जो CSP की टर्म है इसका क्या मतलब है, ये एक एब्रीवेशन है, इसका मतलब है सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद ये कि द गवर्नमेंट अरेंज फंड टू रन द अफेयर ऑफ द स्टेट मेनली थ्रू, गवर्नमेंट जो है वो अरेंज करती है फंड ताकि रन करे अफेयर जो है स्टेट के मेनली, किसके जरिए, टैक्स इलेक्शन के जरिए। उसके बाद ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कवर ऑल द थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, IE एग्जीक्यूटिव ज्यूडिशियल एंड, सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कवर करती है तमाम तीन ब्रांचेस जो है गवर्नमेंट की, जिसमें एग्जीक्यूटिव है, ज्यूडिशियल है, इसके अलावा लेजिस्लेचर है। उसके बाद ये हु इज द कैबिनेट ऑफ, हेड ऑफ द कैबिनेट इन पाकिस्तान, कौन जो है वो हेड ऑफ द कैबिनेट है पाकिस्तान में, वो है प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद ये दोस फंक्शन दैट हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऐसे फंक्शन जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है अचीवमेंट पे ऑर्गेनाइजेशनल गोल की, आर नॉन, वो जाने जाते हैं इनमें से किसके तौर पर, वो है लाइन फंक्शन। उसके बाद ये हॉथर्न स्टडीज वर कंडक्टेड एज, हॉथर्न स्टडीज जो की गई कहां पर, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के ऊपर। और उसके बाद ये कि सिस्टम डैट हैज़ नो इंट्रैक्शन विद इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इस सिस्टम जिसका कोई इंट्रैक्शन नहीं होता उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, वो क्या है, क्लोज सिस्टम। उसके बाद ये कि व्हाट इज द अजम्पशन ऑफ थ्योरी वाई ऑफ डगलस मैकग्रेगर अबाउट ह्यूमन, क्या अजम्पशन है थ्योरी वाई का डगलस मैकग्रेगर की ह्यूमन्स के बारे में, वो है पॉजिटिव। उसके बाद ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्बर्ट साइमन गॉट नोबेल प्राइज, कौन से ईयर के अंदर हर्बर्ट साइमन को जो है वो मिला नोबेल प्राइज, वो है 1978 में। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज अ डिस्टिंक्ट एक्टिविटी, डिस्टिंक्ट एक्टिविटी है विच रिक्वायर्स फॉर इन्वेस्टमेंट एंड हैज अ बिगनिंग एंड एंड, जो कि रिक्वायर करता है इन्वेस्टमेंट और उसकी बिगनिंग और एंड है, वो है प्रोजेक्ट। उसके बाद ये कि आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, एक आइडेंटिफिकेशन करने के बाद प्रोजेक्ट की नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रोजेक्ट स्टडी फिजिबिलिटी। उसके बाद ये कि अकॉर्डिंग टू सिविल सर्वेंट एक्ट 1973, सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के मुताबिक, व्हाट डज सिविल मीन, सिविल का क्या मतलब है, पब्लिक। उसके बाद ये द लेंथ ऑफ अ प्लान, लेंथ जो है प्लान की, सच एज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक्चुअली रेफर्स टू, जैसे कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म एक्चुअली रेफर्स टू, इससे मुराद क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लान्स। उसके बाद देखिए हु अमंग द फॉलोइंग मेंशन्ड वर्क अंडर प्रोविजनल गवर्नमेंट, वो है डिपार्टमेंट। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन द टर्म परवेजिवनेस ऑफ प्लान, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बेस्ट डिफाइन करता है जो टर्म है परवेजिवनेस ऑफ प्लान, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ प्लान एट ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ये कि द प्रमोशन इन सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान, जो प्रमोशन है सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान में, इज प्योरली मेड ऑन, वो प्योरली तौर पर मेड बनाया जाता है, एंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, कौन से फैक्टर्स के ऊपर, वो है मेरिट एंड परफॉर्मेंस। उसके बाद ये टू रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर, रिसीव करना ऑर्डर एक सुपीरियर से, इस कार्ड वो कहलाता है क्या, यूनिटी ऑफ कमांड। उसके बाद ये हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द मिनिस्ट्री, कौन है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मिनिस्ट्री का, वो है सेक्रेटरी। उसके बाद ये कि डी जो है पॉस डी कॉर्प के अंदर जो डी है इसका क्या मतलब है, वो है डायरेक्टिंग। उसके बाद ये कि हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट दी प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ वैल्यू फ्री साइंस ऑफ मैनेजमेंट, वो है WF लॉ भाई। उसके बाद ये कि हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है मेंशन, जिसने मेंशन किया एक्ट इंश्योर डैट नो ऑफिसर कैन बी डिसमिस, कि कोई ऑफिसर जो डिसमिस नहीं किया जा सकता अंटिल हर्ड इन हिज हर डिफेंस एंड राइट ऑफ अपील, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद ये कि NEC स्टैंड फॉर, अब NEC जो इसकी एब्रीवेशन, ये एक एब्रीवेशन है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। उसके बाद ये द पे एंड सर्विस कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इस जो पे एंड सर्विस कमीशन है
उसको अपॉइंट किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया था किस ईयर में, 1962 में। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर काइंड्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन की जो काइंड है वो इनमें से क्या है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। उसके बाद ये यूज ऑफ प्रोसेसेस टू चेंज रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विस, यूज करना प्रोसेसेस का चेंज करने के लिए रिसोर्सेज जो है गुड्स और सर्विसेज में कहलाता है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये थी आज की वीडियो, आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पे इसमें मिस्टेक दिखाई तो जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर।